सुमो किचन में आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मीठी टिक्कियां। इसे आप टी टाइम में यूज कर सकते हैं और इसे एक दो मंथ के लिए आप लोग सेव करके भी रख सकते हैं। जिसके लिए हमें चीजों की जरूरत है, हाफ कप ये मैंने यहाँ पर दूध लिया है, गरम दूध, एक कप चीनी ली है, 3/4 कप सूजी ली है, 5-6 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने घी लिया है, 3 टेबल स्पून तिल लिए हैं, 10 से 12 बादामों को मैंने इस तरह चॉप्ड कर लिया है, 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर लिया है, 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने क्रश्ड खोपरा लिया है कोकोनट, और 2 कप यहाँ पर मैदा लिया है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो दूध हमने लिया था इसमें हम लोग शुगर ऐड करेंगे। ये देखे जी, ये शुगर चली गई। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। ये घी ऐड कर रहे हैं। ये सारा घी हमने मिल्क में ऐड कर लेना है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। हमने इतना मिक्स करना है कि जो हमारी चीनी है वो दूध के साथ हल हो जाए। इसे मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह चीनी को मिल्क के साथ डिसॉल्व कर लिया है। ये देखें, यहाँ पर चीनी अच्छी तरह डिसॉल्व हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो हमने 2 कप मैदा लिया था, अब हम इसमें ये कोकोनट ऐड करेंगे, खोपरा चला गया, तिल ऐड करेंगे, ये तिल चले गए, बादाम ऐड करेंगे, ये बादाम चले गए, इलायची पाउडर और ये सूजी चली गई। अब इन सब चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब चीजों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर जो है सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे गूंद लेंगे। यहाँ पर ये मिल्क जो हम लोगों ने जिसमें शुगर और घी ऐड किया था, अभी इसे हम गूंद लेंगे। जिस तरह आटा गूंदते हैं हमने, उस तरह इसे गूंद लेना है। ये अब हम दूध डाल रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। ये हमने गूंदना स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल एक डो बना लेनी है इसकी। यहाँ पर आटा मैंने गूंद लिया है। आपने डो को इतना गूंदना है कि आपके हाथ पे चिपकना बंद हो जाए। और यहाँ पर जो हम लोगों ने मिल्क लिया था हाफ कप, वो मेरा मिल्क सारा यूज नहीं हुआ, ये इतना बाकी रह गया है। अब हम इस डो को 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे, कवर करके 1 घंटे के लिए अब हम इसे रख देंगे। यहाँ पर 1 घंटा गुजर चुका है। जो हम लोगों ने डो गूंद के रखी थी उसे मैंने बाउल से निकाल कर इस तरह उसके 3 पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसे बेलकर इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये अब हम इसे बेल रहे हैं। इसे अच्छे से आप लोग बेल लें। अब एक कटर ले लें और इसकी हम लोग इस तरह कटर से कटिंग कर लेंगे। अगर तो कटर नहीं है तो किसी भी बॉटल का कैप ले लें, उससे आप इस तरह इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो बाकी का बचा है, हम इसे अब वापस मिलाकर इसका वापस एक पेड़ा बना लेते हैं और इसी तरह वापस इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। ये मैं अब स्टार शेप की कटिंग कर रही हूँ। ये काम आप बच्चों से भी करवा सकते हैं। बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेकर इस तरह के काम करते हैं। अब हम हार्ट शेप की कटिंग करेंगे। ये देखें, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। साइज भी आप पे डिपेंड करता है, छोटे साइज रखने हैं टिक्कियों के आप बड़े। अगर तो आपके पास कटर नहीं है, आप इस तरह कोई भी स्टील का ग्लास ले सकते हैं और इस तरह इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखें, मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ। इस तरह आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये थिकनेस आप चेक करें, हर टिक्की की इतनी ही थिकनेस होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने जो है कटिंग करके रख ली है। अब हम 1 by 1 इन्हें फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने अच्छे से पहले गर्म कर लिया है और अब हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ये अब हम ऑयल में डाल रहे हैं। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद आप जब इन टिक्कियों को ऑयल में डालेंगे तो आपने
फ्लेम मीडियम कर देनी है, फिर मीडियम फ्लेम पर आपने इसे फ्राई करना है ताकि ये अंदर से अच्छी तरह पक जाए। अब देखें लाइट ब्राउन सा कलर, गोल्डन गोल्डन कलर आ चुका है, यहाँ पर टिक्कियों पे अच्छा सा प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम इसे डिश में निकाल लेते हैं। ये अब हम टिक्कियों को निकाल रहे हैं। अब इस तरह हम सारी टिक्कियाँ फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारी टिक्कियों को फ्राई करके रख लिया है। आप फ्राई करके इसे थोड़ी देर रखें, फिर इसके बाद ये खस्ता होंगी, ठीक है। एकदम ये खस्ता नहीं होती, ये थोड़ी सॉफ्ट होती हैं। इन्हें जितनी देर आप रखेंगे ये उतनी अच्छी हो जाएंगी। अभी आपको मैं एक तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैं इसे तोड़ रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी खस्ता हो चुकी हैं, ठीक है। आप इसे किसी भी कंटेनर में या जार में सेव करके आराम से 2-3 महीने तक खा सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो साथ में बेल का आइकन है इसे ज़रूर प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।